मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने यहां मानगो पुल सह फ्लाईओवर एमजीएम अस्पताल में 500 बेड के अतिरिक्त अस्पताल भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। साथ ही आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के बीच प्रमाण पत्र परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्री चंपाई सोरेन, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता और सत्यानंद भोक्ता, विधायक रामदास सोरेन, मंगल कालिंदी, समीर मोहंती, संजीव सरदार मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर जिले के उपायुक्त सहित पुलिस प्रशासन के तमाम पदाधिकारी भी शामिल रहे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिले में 500 बेड का अस्पताल और फ्लाईओवर के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया। जब लोग किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो सोचते हैं कि हम क्या लिखें, कैसे करके कहें। कहते हैं कि खत लिखूं तो क्या लिखूं, आरजू मदहोश है, खत पे आंसू गिर रहे और कलम खामोश है। मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि जमशेदपुर की जनता की तरफ से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को किन शब्दों से, किन तरीके से आभार व्यक्त करूं, जो ऐसा सरल, सहज और विनम्र मुख्यमंत्री, जिनको जब हम लोगों ने बताया कि जमशेदपुर के लोग आपके तरफ बहुत आशान्वित हैं और जमशेदपुर में ट्रैफिक की समस्या है, तो आज ऐतिहासिक कदम उठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और ऐतिहासिक कदम उठाकर इस जमशेदपुर को एक ऐसी सौगात दी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस जमशेदपुर के लिए अजर और अमर पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। जब तक जमशेदपुर रहेगा, जमशेदपुर आपका नाम लेता रहेगा। ऐसा फ्लाईओवर हम दिल्ली और बॉम्बे में देखा करते थे, उस फ्लाईओवर को विश्व स्तरीय फ्लाईओवर आज जमशेदपुर को आपने दिया है, मानगो और साक्षी को दिया है। हम इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं, आप पर गौरव और गर्व व्यक्त करते हैं कि आपने जमशेदपुर में एक इतना बड़ा अस्पताल, जो विश्व स्तरीय अस्पताल जिसकी कीमत 400 करोड़ से ज्यादा होगी, वो अस्पताल की भी आज जो है आप शिलान्यास कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए पहले तो योजनाओं के बारे में जानकारी दी, साथ ही विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष ने सरकार गिराने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, मगर सरकार अपना काम करते जा रही है। विकास की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है, जो वह किसी भी हाल में पूरा करेंगे। नहीं सोचा गया, आज वो धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और सोचते भी कैसे ही लोग, ये वही लोग उन लोगों ने 20 साल इस राज को दिशा देने का काम किया, जो इस राज को अलग करने के घोर विरोधी लोग। और इसीलिए एक एक प्रकार यहां झारखंडियों को बदनाम करने का प्रयास होता रहा। और आज ही देखिए, आज का नेता का जो और विरोध करेंगे भी क्यों, इतना उत्साह जो गांव गांव में है, उसका डर तो उसके मन में होना ही होगा। लोगों को संबोधित करने के बाद सैकड़ों लाभुकों के बीच करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में भोजन करने के बाद सोनारी एयरपोर्ट से रांची के लिए रवाना हो गए। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। परदेसी घर आंगन बुलाए, छठी मैया रास्ता निहारे, फलवा से बहंग सजाए, परदेसी तेरा घर बुलाए। डफकॉन परिवार की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। डफकॉन, द ओनली सील फॉर टफ कंस्ट्रक्शन।